तो गाइस ये है हीरो की नई स्प्लेंडर प्लस जो 2022 के अंदर आ चुकी है, और इसमें जो है हीरो ने एक नया फीचर जो है इस बाइक के अंदर ऐड कर दिया है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो पहले इसके अंदर नहीं आता था। लेकिन अब जो है हीरो ने लगभग जो अपनी HF डिलक्स है, पैशन प्रो है, उन बाइक के अंदर जो है ये नया फीचर ऐड कर दिया है। वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बाइक तभी स्टार्ट होगी जब इसका साइड स्टैंड ऊपर होगा। यदि हम इस बाइक का साइड स्टैंड नीचे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप बाइक को लेके चलते हैं और स्टैंड नीचे है, ठीक है, और अब जो है यहाँ पर ये साइड स्टैंड की लाइट जली हुई है। देखिए जब ये लाइट जलती रहेगी और उस समय पर यदि आप इस बाइक को लेके चलते हैं गलती से, जैसे आपने क्लच दबाया और गियर डाला, तो देखिए बाइक जो है एकदम से बंद हो जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाइक जो है वो बंद हो चुकी है एकदम से, ये लाइट जो है यहाँ पर जली हुई है। और यदि अब हम इस बाइक को स्टार्ट करना चाहेंगे, जैसे ये न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, और ये न्यूट्रल नहीं है, और इस बाइक को यदि हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यदि मैं इसका क्लच दबाता हूँ, सेल्फ लगा, तो देखिए इसका सेल्फ ही काम नहीं करेगा। आप देख सक रहे हैं क्लच दबा हुआ है और हम इसका सेल्फ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ जो है इस बाइक का काम नहीं कर रहा, ये स्टार्ट ही नहीं होगी। और यदि आप इसको स्टार्ट भी करना चाहेंगे तो ये किक से भी नहीं होगी। तो यहाँ पर यदि हम इसको न्यूट्रल करते हैं, जैसे हमने इसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका सेल्फ चल जाएगा और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये लाइट जलती रहेगी आप इस बाइक को आगे नहीं ले जा सकते, गियर डालेंगे और ये तुरंत बंद हो जाएगी। देखिए मैं जैसे इसका गियर डालता हूँ, यहाँ पर आप लाइट देखिए, ये लाइट जली हुई है, ठीक है, ये नीले वाली लाइट, और जैसे ही मैं इसको गियर डालता हूँ न्यूट्रल लाइट बंद होगी और वो भी बंद हो जाएगी। देख सकते हैं ये लाइट भी तुरंत बंद हो गई न्यूट्रल लाइट के साथ ही, क्योंकि मैंने इसमें गियर डाल दिया था और ये बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। तो गाइस यही एक नया फीचर जो है इस बाइक के अंदर जोड़ा गया है। बाकी इसमें यहाँ पर एक चार्जर भी दिया गया है, ये इसका स्लॉट है चार्जिंग का, यहाँ से आप अपने मोबाइल जो है उसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो गाइस देखने में बाइक बड़ी सुंदर है। तो गाइस अब करते हैं इसके प्राइस की बात। जो कस्टमर है जो इसको ख़रीद के लेके आया है, उसने इस बाइक को i3S के साथ ख़रीदा है और सेल्फ स्टार्ट बाइक है, तो इसकी जो कीमत है वो है 87,000। जी हाँ, जो कस्टमर है उसने इसको जो है 87,000 रुपये में शोरूम से ख़रीदा है। हो सकता है आपके नज़दीकी शोरूम में भी ये बाइक आ चुकी है, तो आप वहाँ पर इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो पता कर सकते हैं। तो इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।